मैं बताऊं तो इनको 17 साल का एक्सपीरियंस है, 14 साल इन्होंने मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाई है और पिछले बीते 3 साल से ये डायरेक्ट सेलिंग में है। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अपना गड्ढा भरने के लिए कंपनी ओपन कर ली, समझ रहे बात को? जिसको नॉलेज भी नहीं होता ना, 2-5 लाख रुपए कंपनी ओपन कर देता है। जिसको कुछ तजुर्बा भी नहीं होता, वो थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट लेके कंपनी शुरू कर देता है। तो वैसे कंपनी शुरू नहीं की गई, 14 साल इन्होंने ट्रेडिशनल में अपनी 2 अलग अलग फैक्ट्रियां चलाई, उसके बाद इनका तजुर्बा था उस इंडस्ट्री का, तब इन्होंने सोचा कि हम अपनी कंपनी ओपन करते हैं, अपना सिस्टम ओपन करते हैं, और बड़े लेवल पे इन्होंने सिस्टम को ओपन किया। आज हमारी कंपनी इस प्रोडक्ट की इन्वेंटर भी है, मैन्युफैक्चरर भी है, बहुत बड़े हम वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्टर भी हैं। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने शुरू किया था दोस्तों, तो सिर्फ मुंबई में इनका एक ऑफिस हुआ करता था, बोरीवली में, जिस जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था, जिसमें ऑफिस, मैन्युफैक्चरिंग, रेस्टोरेंट, विला, ये सारा उस टाइम में था जब मैं पहली बार विजिट करने गया था। उसके बाद इन्होंने दादर का ऑफिस ओपन कर दिया अभी, जो मुंबई की टॉप 5 बिल्डिंग्स में आता है, कोहिनूर सिक्योर। उसके अलावा इन्होंने बीते 6 महीने पहले दिल्ली में ऑफिस ओपन कर दिया। जब मैं मुंबई गया था पहली बार, तो मेरा सवाल था कि आपका प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, अगर इतने इसके अच्छे रिजल्ट है, इतना लोग जानते हैं इसके बारे में, तो हमारे उत्तर भारत में कोई क्यों नहीं जानता इसको, समझ रहे बात को? तो उन्होंने बोला, सर हमारे जो संपर्क थे वो साउथ से जुड़े हुए थे, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र, साउथ से जुड़े हुए थे, इसलिए हमारे उत्तर भारत में इतने कॉन्टेक्ट नहीं थे, इसलिए हम उत्तर भारत बिल्ड नहीं कर पाए। हमारा ऑलरेडी झारखंड में बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्ट जाता है, वेस्ट बंगाल में, आसाम में, अरुणाचल में, नीचे के क्षेत्र में छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र, इन स्टेट्स पर प्रोडक्ट जाता है, लेकिन उत्तर भारत में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, ये स्टेट खाली है। मुझे एक बात समझ में आई, अगर सोने से बीमारी ठीक होती है, अगर सोने से पानी पीने से बीमारियां ठीक होती है, तो एक नई चीज है। यस यारो, यस। और दूसरा, हम कोई दावा नहीं करते दोस्तों, हम बोलते हैं कि आपका, आपकी जितनी बीमारियां ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई है, वो बीमारियां ऑटोमेटिकली ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से ठीक होती है। मतलब कारण को जाने थोड़ा सा, अगर हमने कारण को जान लिया तो हम परिणाम समझ जाएंगे। मेरे फेवरेट लेखक हैं टी आर अंबेडकर, वो बोलते हैं कि आपने कोई चीज की रूट समझ ली तो आपको फ्रूट समझने में बड़ी आसानी होगी। सही है, आपने समझ लिया इनविजिबल, सही है, तो आपको बड़ा विजिबल समझना बड़ा आसान है, दिखने वाली चीजें बड़ी समझनी आसान है। तो रूट समझते हैं इस प्रोडक्ट की, ये काम कैसे करता है। कोई व्यक्ति बोलता है, सर मेरे लीवर में सूजन है, तो लीवर में सूजन क्यों है? लीवर को ब्लड की सप्लाई वीक है, इसलिए लीवर में। कोई व्यक्ति बोलता है, सर मुझे डायबिटीज है, तो डायबिटीज क्यों है? उसका ब्लड गाढ़ा हो गया, इसलिए उसको डायबिटीज है। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि सर मेरे वेरिकोज वेन है, तो ब्लड के थक्के बन गए पैरों में, इसलिए वेरिकोज वेन है। कोई व्यक्ति बोलता है, सड़क में चल रही है, तो ब्लड नीचे जाता है, ऊपर नहीं आता। कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे L4-L5 में दिक्कत है, तो L4-L5 में दिक्कत क्यों है? वहां पे कोई उसकी वेन ब्लॉक होती है, इसलिए L4-L5 में दिक्कत है। कोई बोलता है सर्वाइकल है, तो वहां पे उसकी कोई वेन ब्लॉक हो रही है। कोई बोलता है माइग्रेन है, तो वहां पे उसके वेन का रोल है। मतलब आपको पता चलेगा कि 90% बीमारियों की जो रूट्स होती है वो ब्लड सर्कुलेशन होती है, और जब ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है तो आपकी बॉडी स्वस्थ हो जाती है। अब ब्लड सर्कुलेशन ठीक कैसे करें? योगा, एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग, पैदल चलना, ये सब ठीक करता है, लेकिन ऐसा सब कुछ कोई करता नहीं है। इसलिए हमारे इस सिंपल बिस्तर को यूज करके आप स्वस्थ हो सकते हो। सोना और पानी पीना दुनिया का सबसे आसान काम है। यस या नो? यस। सोने के लिए आपको मेहनत लगती है क्या? नो। पानी पीने के लिए मेहनत लगती है क्या? नो। सोना और पानी पीना दुनिया का सबसे आसान काम है, इसलिए इस प्रोडक्ट को यूज करना बहुत ही आसान है। दोस्तों हमारे लीगल डॉक्यूमेंट ऑलरेडी साइट पे अपडेट है, वहां से आप जूम करके देख सकते हो, क्योंकि पीडीएफ फाइल में आपको हल्के दिखेंगे। और हमारी कंपनी को बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड मिले हैं, जितने भी बड़े बड़े लोगों को हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट दिया है उन लोगों को, तो उनके बहुत सारे फोटोज हमने ऐड कर रखे हैं। ठीक है, हमारे इस प्रोडक्ट को आयुष से सर्टिफिकेशन भी मिला है, कोरोना योद्धा अवार्ड भी मिला है। अभी लास्ट टाइम हमारी कंपनी को बेस्ट इनोवेटेड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था दिल्ली में। तो लगातार इनको बहुत सारे अलग अलग अवार्ड रिवॉर्ड मिले हैं, जिनकी वजह से हमारा प्रोडक्ट बेस्ट साबित हो जाता है। दोस्तों हमारे अलग अलग जितने भी प्रोडक्ट हैं, मैं आपको ये बोलूं कि हमारा जो तकिया, बिस्तर, बेल्ट और वाटर एनर्जी बेल्ट, इसकी अलग अलग हम परचेज करते हैं तो अलग अलग में कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसको पैकेज में लेते हैं तो आपको बहुत सही रेट में ये अवेलेबल हो जाता है। हमारे जो प्रोडक्ट है इनके रेट में आपको बता देता हूं। हमारा जो रेगुलर मैट्रेस आता है, जो 125 मैग्नेट के साथ आता है, वो आता है 7,400 रुपए का। पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो मैट्रेस है, ये जो तकिया है, इसकी जो लाइफ है, इसके अंदर जो लगी हुए मैग्नेट है उनकी लाइफ है 20 से 25 साल। इसके अंदर जो मैग्नेट लगे हुए हैं उनकी जो लाइफ है 20 से 25 साल। अब इस पे है, हम इसको कितना चला ले अच्छे से, समझ रहे बात को? इसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर इसके ऊपर हम कवर चढ़ा के यूज करेंगे तो आने वाले 10-15-20 साल चलाना आसान है। अगर कवर नहीं चढ़ाएंगे तो आपके लिए चलाना मुश्किल हो जाएगा। जो हमारा सबसे रेगुलर मैट्रेस आता है वो आता है 7,400 का, जिसमें एक तकिया, एक बिस्तर इस प्रकार का, एक बेल्ट और एक ऐसा वाटर एनर्जी बेल्ट, चार चीजों का सेट आता है, जो 125 मैग्नेट का बेल्ट होता है।
उसके अलावा प्रीमियम क्वालिटी का एक बेड आता है हमारा, वो आता है 9,700 रुपए का। कितने का? उसमें ये जो है ये 9,600 का, जिसमें 200 मैग्नेट का बेड रहेगा, एक तकिया, एक बिस्तर, एक बेल्ट, एक वाटरनेस बेड। इसमें और उसमें फर्क क्या है? मैग्नेट का फर्क है और कपड़े की क्वालिटी का फर्क है। 75 मैग्नेट एक्स्ट्रा लगे हुए हैं इसमें, इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है। और अगर उसके उससे कंपैरिजन करते हो आप सेराजिन से, तो बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्चुअल में तो पहले बात तो कंपैरिजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक थेरेपी है और बायोमैग्नेटिक थेरेपी है। लेकिन अगर रेट में कंपैरिजन करते हो तो हमारा रेट बहुत कम है। उसके अलावा अगर आप डबल बेड लेते हो, मैंने बताया कि 40% एक्स्ट्रा कॉस्ट पे आपको डबल बेड मिलता है। अगर 7,400 का सिंगल बेड है तो डबल बेड कितने का होना चाहिए? 14,800 रुपए का। यस यानो, आपको 14,800 लगाने की जरूरत नहीं है, आपको 11,900 में डबल बेड मिल जाएगा। मतलब दो तकिया, दो बिस्तर, दो बेल्ट और दो वाटरनेस बेड, पूरा डबल बेड का सेट मिल जाएगा। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की दिक्कत, पैरालिसिस, गठिया, जो हम जिन बीमारियों में रूट ब्लड सरप्लस में, उन बीमारियों के लिए हमारा प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन काम करता है। और जो प्रीमियम 9,600 का है, इसका डबल बेड जो है आपको मिलेगा 15,900 का। 15,900 का मतलब 6,300 रुपए आपने और एड किया, तो आपको डबल बेड का सेट मिल जाएगा, लेकिन ये 400 मैग्नेट के साथ आएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि हाँ, बस वो प्रीमियम और प्रीमियम क्वालिटी लेते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। अब इसके थोड़ा सा रेफरल प्रोग्राम को भी समझ लेते हैं कि अगर हम आप आगे किसी को रेफर करें। देखो आजकल जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सारे रेफरल प्रोग्राम में चलते हैं। यस यार, आज आपको फोन पे भी डाउनलोड करने का बोलते हैं तो आगे रेफर करो, 100 रुपए मिलेंगे, है ना। आज आपको छोटा सा ऐप भी मिलता है तो आपको ज्यादा लोगों पर रेफर करने पे ज्यादा पैसा मिलता है। यस यार, मतलब सबसे बड़ी रिकमेंडेशन का तरीका है लोगों को रेफर करना, क्योंकि लोग क्या है, डिजिटल है। आज मान लो, मैं सिंपल जानता हूं कि आज विनोद जी है, विनोद जी के स्टेटस में लोगों के साथ 500 लोगों के साथ 300 लोगों के साथ ब्रांडिंग है। अगर ये अपने स्टेटस में कोई प्रोडक्ट को ऐड करते हैं विचार करने के साथ, तो इसका मतलब क्या है, 300 लोगों में इनकी ब्रांडिंग जाती है। यस, जब कोई चीज आप अपने स्टेटस में लगाते हो तो आपकी ब्रांडिंग बिकती है, समझ पाए ना। मैं आपसे पूछूं, सर बाइक कौन सी अच्छी है, बाइक कौन सी लेनी चाहिए, क्या बताओगे आप, बाइक कौन सी लेनी चाहिए, कैसे, क्यों लेनी चाहिए, बता दीजिए, माइलेज अच्छी है, सही है ना। इन्होंने बजाज की यूज किया, इसलिए बजाज को रिकमेंड कर दिया। मैं पीछे किसी को बोलूंगा, कोई व्यक्ति बोलेगा डीलक्स लेनी चाहिए सर, थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, है ना, हिलेगी नहीं। अलग अलग जिसका जिसका जैसा यूज है ना, वो वैसा रिकमेंड कर देगा। सर बोल देंगे इलेक्ट्रिक स्कूटी लो सर, मैं तो 15 किलोमीटर चलता हूँ, मस्त चलती है डेली, सही है ना। अलग अलग जिसने जैसा प्रोडक्ट यूज किया वैसा बताया। और प्रोडक्ट कैसे बिकता है मार्केट में, व्यक्ति की ब्रांडिंग से। तो आपकी जैसी ब्रांडिंग है आपको वैसा आपको पैसा इंसेंटिव मिलेगा। जब आपने जैसे ही आपने एक प्रोडक्ट लिया तो आपका कोड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, आपने अपना कोड लगाया और अपनी आईडी एक्टिवेट की। हम आप सिंगल बेड लेते हो तो आपको 50 पॉइंट मिलते हैं, कितने, 50 पॉइंट। अगर डबल बेड लेते हो तो 100 पॉइंट मिलते हैं। आप इतना याद रख पाओगे, सिंगल बेड पे 50 पॉइंट, डबल बेड पे 100 पॉइंट, अगर इतना याद रखोगे तो मेरे लिए इंसेंटिव बताना बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आपने सिंगल बेड लिया तो आपको 50 पॉइंट मिलेंगे, डबल बेड लिया तो आपने 100 पॉइंट लिए मिले, मतलब डबल बेड लिया तो 100 पॉइंट मिलेंगे। हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, आपने सिंपल एक ही काम करना है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट को यूज किया, आपका आईडी एक्टिवेशन हो गया या आपका कोड एक्टिवेट हो गया, सही है। आपने जैसे अपने कोड को एक्टिवेट किया, उसके बाद आगे प्रोडक्ट उसी की रेफरल से आप एक्टिवेट आगे नए प्रोडक्ट दे सकते हो, शेयर द प्रोडक्ट। किस प्रकार से आप शेयर करोगे, आपको शेयर करोगे तो 3 अलग अलग प्रकार से इंसेंटिव मिलते हैं। हमने कोई स्टेट नहीं रखा, कोई लेवल नहीं रखा, ना कार फंड है हमारे यहाँ, ना ट्रेवल फंड है, सीधा आपने रेफरल किया, आपको इंसेंटिव अगले दिन खाते में आ जाएगा। मतलब बीच में ना कोई आपके बीच में माध्यम बनने वाला, ना कोई किसी अप्लाइन को बात करवाने की जरूरत पेयर के लिए, ना किसी व्यक्ति को माध्यम बनने की जरूरत। मान लो सर के साथ मेरी आज तक जान पहचान नहीं है, अगर इन्होंने प्रोडक्ट लिया और अपने इस फार्मूले को कंप्लीट किया तो ऑटोमेटिकली अगले दिन इनके खाते में 4 बजे पे आउट आ जाएगा, सिंपल। मतलब किसी को कुछ माध्यम बनाने की जरूरत नहीं है। तीनों प्रकार के इनकम बता रहा हूँ, अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस और परफॉर्मेंस बोनस। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपने अपनी आईडी एक्टिवेट की और आपने 2 लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट किया। सोचो एक व्यक्ति को 11,900 वाला डबल बेड का दिया, एक व्यक्ति को आपने 7,400 वाला दिया। इधर 11,900 का दिया, इधर 7,400 का दिया। जैसे ही आपने 11,900 का और 7,400 का प्रोडक्ट दिया पहली बार, तो पहला इंसेंटिव जनरेट होगा, वो आपको होगा 500 रुपीज। मतलब 2:1 में आएगा, तो पहली बार कितना आएगा, 500 रुपए। देखो आज तक तो प्रमोट करने का कुछ भी नहीं मिल रहा था, आज 500 मिले तो बढ़िया है ना, एक फायदा तो होगा कम से कम। अगर हमने हमारा जो पेआउट सिस्टम है वो 12 AM to 12 PM है, मतलब हम 12 घंटे से हिसाब क्लियर कर देते हैं आपका। आपने 12 घंटे में एक बेड बेचा तो आपको अगले 12 घंटे बाद पैसे मिल जाएंगे। आपने 2 बेड बेचे या 2 बेड किसी को रिकमेंड किया तो अगले 12 घंटे बाद आपको पेआउट मिल जाएगा, सिंपल।
पहले इनकम जो है अवेयरनेस बोनस, जब भी आपके टीम में एक डबल बेड का सेट इधर एक डबल बेड का सेट इधर जाएगा आपको ऑटोमेटिकली आएगा 1000 रुपीज। कितना सामने देखो 1000 रुपए आपको आएंगे। जैसे आपने डबल बेड का एक सेट इधर दिया एक सेट इधर दिया आपको आएगा 1000 रुपए। अगर आपके आपने जिस व्यक्ति को दिया अगर उसने भी दिया आगे और उसके माध्यम से कुछ ज्यादा सेट बिके जैसे 500 सेट लेफ्ट में गए 500 सेट राइट में गए तो 5000 मतलब पर डबल बेड के सेट की मैचिंग पे 1000 रुपए आपको आएगा। ज्यादा होंगे कम होंगे अच्छा एक आज भी का एक महीने बाद भी का तो भी 1000 रुपए आएगा सेट पड़ा है आपका कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो सिंपल समझो अगर 10 बेड लेफ्ट और 10 बेड राइट में गए या फिर 1000 पॉइंट लेफ्ट में आए और 1000 पॉइंट राइट में आए अगर सिंगल बेड गया तो 20 बेड उधर और 20 बेड उधर तो आपको आएगा कितना 10000 रुपया और 12 घंटों में आप हाइएस्ट 10000 तक भी उठा सकते हो। इसके बाद लिमिट लगा दी इसके बाद सेल जो आएगी वो कंपनी की है लेकिन 12 घंटों में आप हाइएस्ट कितना उठा सकते हो 10000 रुपए। अगले 12 घंटों में फिर 10000 और डेली का 20000 रुपए तक की सेल भी डाल सकते हो। दूसरी इनकम जो बता रहा हूँ ये आपका एक्स्ट्रा बोनस है। आपने सिंपल एक काम करना है जो आपकी सेल आई थी जो पिछली बार दिखाई थी मैंने जो सेल आई थी अगर आपकी एक सोमवार को आई थी एक मंगलवार को आई थी अगर आपने सोमवार और मंगलवार को डाली थी उसकी जगह अगर दोनों सेल एक दिन में डाल दो आप क्या करो जो पिछली वाली दोनों सेल दिखाई थी उसको एक दिन में आप एक साथ डाल दो तो आपको वही 100 पॉइंट पे 5000 रुपए अलग से आएंगे। कितने 5000 लेकिन शर्त क्या है सेल एक दिन डालनी है एक दिन में डालनी है एक सोमवार को एक बुधवार को तो दोनों कब डालनी है बुधवार को दोनों एक साथ डालोगे तो 5000 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे उसी डबल बेड में तो टोटल कितना आएगा आपको 6000 रुपए। अगर सिंगल बेड होगा तो 3000 रुपए। अब आपको एक सिंपल आसान बताऊंगा आपको सिंगल बेड का एक सेट इधर गया 7400 का एक बेड इधर गया 7400 का एक बेड इधर गया आपको कितने आएंगे 3000। डबल बेड का एक सेट इधर गया डबल बेड का एक सेट इधर गया 6000। सिंपल आपको ये समझना है सिंगल बेड पे 3000 डबल बेड पे 6000। और हाईएस्ट हम डेली का इस इनकम को 5000 तक ही ले सकते हैं अगले 12 घंटों में फिर 5000 ले सकते हैं डेली का 10000 और 30 दिनों में 3,00,000 रुपए तक उठा सकते हैं। तीसरी इनकम जो है परफॉर्मेंस बोनस। जब आपके आपने कुछ लोगों को बेड दिया जैसे मैंने क्या किया अब तक मेरी टीम में 750 से ज्यादा बेड जा चुके हैं लेकिन मैंने 13 महीने पहले जब शुरू किया था 13 महीने पहले जब शुरू किया था तो एक बेड लिया था सिंपल पहला बेड लिया मैंने काम करना शुरू किया लोगों को बताना शुरू किया कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रेस है जिसपे सोने से बीमारियां दूर होती है। कुछ लोगों ने हाँ की कुछ लोगों ने ना की कुछ को समझ आया कुछ को नहीं आया लेकिन ऐसा करते करते मैंने 750 बेड दे दिए 750 बेड दिए। तो कभी कभार ऐसा भी होगा ना 5 बेड एक साथ बिके 5 बेड इधर एक साथ बिके तो जब भी 5-5 बेड की सेल एक साथ आई तो मुझे 3000 अलग से और मिले फिर 5 बेड एक साथ और बिके फिर 3000 अलग से डेली का 6000 30 दिनों में 1,80,000 तक आप भी उठा सकते हो। सिंपल अगर मैं तीनों इनकम को आपको कंपाउंड कर दूं कि पहला अगर एक स्थिति बनाते हैं सिंपल एक स्थिति बनाते हैं कि अगर मान लो 5 बेड इधर वाली साइड में बिके और 5 बेड इधर वाली साइड में बिके डबल बेड के साथ और हमने क्या क्या सारे एक साथ चढ़ा दिए सोमवार को या मंगलवार को या फिर आगे पीछे चढ़ाएंगे तो इंसेंटिव कम होगा लेकिन एक साथ डाले तो अवेयरनेस बोनस कितना है आपको पर पहली इनकम थी 1000 रुपया तो 5000 हुआ गया दूसरी इनकम एक साथ डालने पे 5000 आती है तो 5000 हुआ आया और 5 लेफ्ट 5 राइट होने पे कितने आए 3000 टोटल कितने आए आपको 13000 रुपए। अगर हम एक काम और करें इसको अगर दो पारी में डालें हम तो हम 26000 तक उठा सकते हैं। कहने का मतलब आप ऐसा करके एक साथ अगर सेल आती है तो 13000 रुपए तक आप डायरेक्ट इंसेंटिव उठा सकते हो। दोस्तों इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं यहां पे एक व्यक्ति का एग्जांपल दिया गया था कि सुरेश सालाना 3,00,000 रुपए कमाता है सही है डेली का 10000 रुपए वो सेविंग करता है। अगर वो 12 महीने तक सेविंग करता है और 1,20,000 रुपए कमाता है कितना 1,20,000 कमाता है और उसको एक 25 लाख का घर लेना है। आजकल घरों की कॉस्ट ऐसी है कुछ है ना अगर कोई व्यक्ति को घर लेना है तो 20-25 लाख का तो बजट चाहिए है ना और वो भी आउट में मिलता है ऐसी कॉस्ट में 25 लाख का घर चाहिए तो उसको कितना टाइम लगेगा बताया जाता है कि 1,20,000 सालाना सेविंग करके वो 10 सालों में कितने रुपए कमाता है 12,00,000 रुपया और अगले 10 सालों में कितना कमाता है 24,00,000। और कमाल की बात है कि अगर वो इतना टाइम लगा दे घर लेने के लिए तो उस घर की कॉस्ट भी डबल चली जाएगी ज्यादा चली जाएगी है ना मतलब मुझे प्रॉपर्टी का नॉलेज नहीं है बहुत ज्यादा तो हो सकता है ज्यादा ही गिर जाए लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो घर नहीं ले सकता। आज अमूमन जो आमदनी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी लोग 10-35 हजार के बीच में कमा रहे हैं तो एक चीज से मुश्किल हुआ कि नहीं हुआ। अब दूसरी स्थिति बनाते हैं अपने को
अब नेटवर्क, नेटवर्क किस चीज को बोलते हैं, रिकमेंडेशन किस चीज को बोलते हैं कि हम नेटवर्क बनाए तो हम किस प्रकार से फायदा ले सकते हैं। वही हमने, हमने फ्लैट लिया या उसको रिकमेंड किया और हमने 2 लाख का इंसेंटिव एक फ्लैट से कमाया, कितना, एक घर से 2 लाख का इंसेंटिव कमाया, और हमने 15 फ्लैट दिए तो वहीं पे 30 लाख का इंसेंटिव हमने जनरेट कर दिया, तो वो हो गया नेटवर्क सिस्टम। हमने जब कोई चीज को लिया और मेरे को जब अगर ये प्रोडक्ट अच्छा लगा और मैंने पिछले 12 महीनों में 750 बेड ये रिकमेंड किए, और आपको बता दूं पिछले 13 महीनों में 750 रिकमेंड करने से मुझे 12 लाख से प्लस का इंसेंटिव आया, तो मैंने अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। अच्छा किया ना। देखो मैं ये मानता हूं कि जब मैं इससे पहले इनकम उठा रहा था तो 25-30-35-40 हजार तक उठा पाता था, लेकिन जैसे ही मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में देखा तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि सोना और पानी पीना कोई काम नहीं है। अगर मैंने इस बात को समझ लिया कि सोने से बीमारियां दूर होती है तो एक डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, डिफरेंट कैटेगरी होगी और मुझे इस पे बहुत बड़ा काम करना चाहिए। मेरे क्षेत्र में अगर मैं हनुमानगढ़ की पॉपुलेशन 3 लाख भी मानूं टाउन जंक्शन की, तो मैं 1% का आंकड़ा चाहता हूं। कितना? 1% के आंकड़े में क्या मुझे 1% लोग नहीं मिलेंगे? मैं बोलता हूं मैंने कुछ लोगों को बताया ही नहीं है, सही बताऊं। आज तक आप लोग जिससे जानना चाहोगे मैंने कितने बेड दिए हैं, जानना चाहोगे आप लोग? यस यस या नो? यस। मैंने मात्र आज तक 22 बेड दिए हैं। कितने? 22। जैसे मैंने सबको दिया, मैंने बोला चेतराम जी मेरे पास एक ऐसा मैट्रेस है आप यूज करो सोने से बीमारियां दूर होगी, इन्होंने लिया, इनके माध्यम से इनको जब फायदा हुआ तो इन्होंने 5 रिश्तेदारों को और बेच दिया। कितने को? 5। मैंने सिर्फ 22 को दिया, उन 22 लोगों ने 750 को दिया। तो मुझे ये बताओ मेहनत आप ज्यादा करते हो मैं करता हूँ? मेहनत आपका हार्डवर्क है, सही है। मैंने क्या किया, हाँ उनके साथ रिकमेंड करने में उनकी हेल्प जरूर की। मान लो सर आपका कोई व्यक्ति है जिसको बताना है तो मुझे इसके बारे में पूरा नॉलेज है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि विनोद जी आपका साथी है कोई, अगर उसको एक्सप्लेन करना है मुझे इसके बारे में नॉलेज आता है क्योंकि मैं 3-4 महीने से दे रहा हूँ और मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा बताने में। तो मैंने क्या किया, लोगों का साथ दिया। यहाँ पे कोई आंकड़ा दिया गया कि हम प्रैक्टिकल नेटवर्क हम जैसा चाहे वैसा बढ़ जाए तो हम बहुत बड़ा इंसेंटिव उठा सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप उस आंकड़े को मत जाओ। आप ये सोचो कि आप अपने को अगर हम 13 महीनों में 12 लाख भी कमा ले तो बढ़िया है, और आपके सामने मैं लोकल का व्यक्ति हूँ जिसने कमाया है। अगर हम मेरे अपलायंस से मिलोगे तो मेरे से उन्होंने लगभग 3-1 महीने पहले बिजनेस की शुरुआत की थी, और मैं उनकी इनकम की बात करूं तो उन्होंने 14 लाख से भी ज्यादा का इंसेंटिव जनरेट किया है, तो बड़ी बात है ना। Yes. दोस्तों मेरे से 3 महीने पहले आए थे और उन्होंने मेरे से भी ज्यादा का इंसेंटिव जनरेट किया है। या एक बात लिखी है लास्ट में, जब आप सेहत पर पैसा खर्च नहीं करते तो कुछ टाइम बाद आपको बीमारियों पर पैसा खर्च करना हमारी मजबूरी बन जाती है। यस या नो? यस। जब आप सेहत पर पैसा खर्च नहीं करते तो कुछ टाइम बाद बीमारियों पर खर्च करना मजबूरी बन जाती है। और आजकल वो क्या रहा है, आजकल वो क्या रहा है दोस्तों, आपको ना सच बता रहा हूं मैं, किसी व्यक्ति को बीमार दूसरे घर में बीमार देखने की जरूरत है।